अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है वाजिद सईद, म्यूजिक डायरेक्टर प्रोड्यूसर, और आज मेरे शो में जो मेरे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, वो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। सैयद नबील, यूं तो सैयद नबील को आप उनके बहुत से ड्रामा के हवाले से जानते हैं। सैयद नबील एक मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट है, एक्टिंग के साथ साथ एज अ डायरेक्टर और राइटर भी काम किया। एज अ राइटर उनके मशहूर ड्रामा में बंदिश, दिल नवाज, केमिस्ट्री, मैं और तुम, हाफ सेट, दूल्हा भाई वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा एज अ डायरेक्टर तनवीर फातिमा बीए और शादी का लड्डू शामिल हैं, और एज अ एक्टर मेरे पास पास, एक रिश्ता अनजाना था और तनवीर फातिमा जैसे बड़े बड़े ड्रामा में सैयद नबील ने काम किया। तो आज मैं बात करूंगा सैयद नबील के सिंगिंग कैरियर पे और रिवील करूंगा सैयद नबील का हिडन टैलेंट। तो मैं स्टार्ट करता हूं अपना सेशन सैयद नबील के साथ, और आप देखिए कि सैयद नबील मुझसे क्या क्या बातें शेयर कर रहे हैं। नबील भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक है, बताइए। वेलकम टू माय शो, द शो नेम इज सेशन विद वाजिद सईद। बहुत बहुत इसका चर्चा है, बहुत सारे लोगों ने जिक्र किया जो जो आपके प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, उन्होंने मुझे बल्कि रिक्वेस्ट की कि यार आप भी जाएं, तो मैं इसलिए आ गया। प्लेजर एंड ऑनर फॉर मी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा इस बात के ऊपर, और मुझे ये बात बताइए कि एक्टिंग, राइटिंग और डायरेक्शन, इन बातों पर मैं आपसे इसलिए बात नहीं करूंगा कि इस हवाले से आपको तकरीबन तमाम लोग ही जानते हैं। रिसेंटली आपका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ARY डिजिटल से ऑन एयर हुआ, बंदिश, तनवीर फातिमा भी है, उसके अलावा जिंदगी चॉकलेट है, क्या नाम था, केमिस्ट्री फ्रॉम जियो टेलीविजन, इसके अलावा ऐसे कई हजार प्रोजेक्ट एज अ राइटर। ये अच्छा, तीनों आपको वो याद है जिसका म्यूजिक आपने किया था? इसके अलावा भी आपके काफी प्रोजेक्ट हैं, एज अ डायरेक्टर भी आपका बहुत सारा काम है, एक्टिंग भी करी जी। तीनों शोबों के अंदर आपने अपने आप को मनवाया, बहुत अच्छा गाते हैं, मुझे पता है अच्छा गाते हैं, दैट्स व्हाई व्यूअर्स मैंने इनको अपने शो में इनवाइट किया है। जिस तरीके से मेरा आपसे वादा है कि मैं अपने तमाम उन आर्टिस्टों का हिडन टैलेंट आपके सामने पेश करूंगा जिनको आप जानते किसी और तरीके से हैं, लेकिन एक टैलेंट उनमें कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। सिंगिंग क्यों नहीं करिए प्रोफेशनली? भाई आप समझते हैं कि मैं प्रोफेशनली गा सकता हूं, तो आप किसी बैकग्राउंड मतलब उसमें प्लेबैक सिंगर गवा लीजिएगा, अदरवाइज मैं नहीं समझता कि मैं अच्छा सिंगर हूँ, इसलिए नहीं किया। नहीं अच्छा, कभी ये भी कोशिश नहीं करी कि चले यार एक प्राइवेट गाना ही करके डाल? मैंने किया था एक प्राइवेट गाना, बल्कि मैंने आपको सुनाया भी था, आपको याद हो, दैट वाज बैक इन 2007-08 में भी, लेकिन थोड़ा सा कुछ है फ्लॉज, मुझे पता है क्योंकि मैं इस फील्ड से रिलेटेड हूँ, मुझे अपने फ्लॉज पता है, तो इस वजह से मैंने कहा कि फिर वो काम करना ही नहीं चाहिए जो आपको अच्छी तरह सही तरह नहीं आता। कमी तो इंसान के हर काम में होती है, जब आपने एक्टिंग शुरू करी होगी, जो पहली मरतब एक्टिंग करी होगी, उसके बाद जब आखिरी मरतब लास्ट पे करते हो, बहुत आप ग्रूम अप हो गए होंगे जी। तो आप ये नहीं समझते कि अगर मैं गाता रहा या गाता रहूं तो मैं अब एट द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ग्रूम हो जाऊंगा? मैं ये नहीं समझता, क्योंकि आपकी आवाज़ की जो रेंज है या जो आपके फ्लॉज हैं कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं हो सकते, बिकॉज जिस तरह एक आर्टिस्ट के हवाले से अगर बोला जाए तो उसके जो बॉर्न टैलेंट्स हैं ना सारे, यानी एक्टर कोई है या नहीं है, बीच की कोई चीज़ नहीं, वो ग्रूम पॉलिश उस वक्त होता है जब बेसिक्स हो उस पर, तो एक लहसे की बात ठीक है, बट आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ टाइम विद मी कि मैं उतना रिहर्सल करूं, उतना रियाज करूं, अपने आप को उतना खपाऊं उस फील्ड में। अच्छा, जितने भी मेरे सेलिब्रिटी गेस्ट मेरे पास आ रहे हैं उनका तकरीबन नियर बाय यही जवाब होता है, और मैं उनसे एक बात करता हूं कि अगर हम किसी सेलिब्रिटी गेस्ट को गवाते हैं अपने, स्पेशली एक्टर्स को, तो मैं अपने तमाम व्यूअर से भी ये बात डिस्कस करता हूं और उनको बताता भी हूं कि भाई आप उनको ऐसा टोटल पैकेज कंसिडर किया करें, क्योंकि वो एक अच्छे एक्टर भी हैं और वो अगर गा रहे हैं तो इस टोटल पैकेज, तो जाहिर सी बात है मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो बहुत अच्छा गा सकते हैं, लेकिन वो गा सकते हैं। ट्रैवल लॉग की बात करूंगा, कितने मुल्क घूम चुके हैं, क्योंकि व्यूअर्स आपको बताता चलूं सैयद नबील भाई का ट्रैवल लॉग इतना बड़ा है कि ओह माय गॉड, कितने मुल्क घूम चुके हैं? वेल आई हैव बीन टू 70 कंट्रीज, 70 ममालिक घूम चुके हैं, और आज उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट ये करी कि यार मेरा इंटरव्यू तो आज कर ले क्योंकि दो दिन बाद मैं फिर ट्रैवल कर रहा हूँ। भाई जान कहाँ जा रहे हैं फिर दो दिन बाद? मैं यूके, कनाडा, अमेरिका का प्लान है। कौन सी ऐसी साइड है जो अब तक आप एक्सप्लोर नहीं कर पाए ट्रैवल लॉग में? अरे नहीं, इस तरह तो बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे मैं अभी जाना चाहता हूँ, जहाँ मैं नहीं गया, जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की साइड पे नहीं गया, साउथ अमेरिका मेरा पूरा रहता है, जापान, रशिया रहता है, साउथ अफ्रीका रहता है, ये सारी कंट्रीज मैंने करनी है। तो ये कब तक टारगेट पूरा हो जाएगा आपका? तो कोशिश तो है, देखिए
कब तक होता है, कोशिश है कि जल्द अज जल्द हो, अल्लाह मालिक है। तो यानी कि ये आपका शौक भी है, आपकी हॉबी भी है? जी बिल्कुल, मेरा पैशन है, ट्रैवलिंग इज माय पैशन। शादी का पैशन के बारे में क्या ख्याल है, जो कि अब तक आपने नहीं करी, वो शादी पैशन में शामिल नहीं है? नहीं, वो शादी, असल में अगर मैं शादी कर लेता तो फिर मैं अपने कमरे से बाहर ना निकल पाता। शादी क्यों नहीं करी, घर वालों ने प्रेशर नहीं दिया? नहीं, डेफिनेटली प्रेशर तो दिया था, लेकिन बस आई डिडंट वांट टू टेक अप एनी रिस्पांसिबिलिटी। मैं घूमना फिरना चाहता था, मैं आई वांटेड टू लीड माय लाइफ एज अ फ्री बर्ड। तो बस इट्स अ लाइफ स्टाइल, मैं आजाद रहना चाहता हूँ। मैं भी, मैं बिस्तर के दोनों साइड से उतरना चाहता हूँ। वाह वाह वाह, जल्दी पहले बताइए कब तक आजाद रहना चाहते हैं, या करनी नहीं है शादी, करनी नहीं है? नहीं, नहीं ऐसा तो नहीं है, टाइम बंदे का तो कभी भी नहीं जाता सही है। तो लेकिन देखिए, एट द मोमेंट नो, बट मे बी आफ्टर सम टाइम, यस आई डोंट नो। बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया, उनकी डायरेक्शन में भी काम किया, उनको और बड़े बड़े एक्टर्स को अपनी डायरेक्शन में काम भी करवाया, कभी किसी डायरेक्टर से या किसी प्रोड्यूसर से ये नहीं बोला कि यार इस ड्रामे का गाना मैं गाऊंगा? मैंने वाजिद सईद से बोला था। नहीं, मैं म्यूजिक डायरेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, टॉकिंग अबाउट द ड्रामा डायरेक्टर एज वेल एज द ड्रामा प्रोड्यूसर। शायद पहले बोला हो, अभी रिसेंटली तो नहीं, क्योंकि अब आपको अपनी पैरामीटर्स पता होते हैं जब आप काम कर रहे हो। हमने काम किया था, याद है, मैं ले कुचले दिलों को बिलाई के, तो ऑर्डर ही नहीं हुआ। और फिर हमने किया था नादिर ये तूने क्या किया कुछ ना, वो बड़ा हिट हुआ था हमारा काम। मुझे कितने लोगों ने फोन करके बोला कि यार वाजिद तुम्हारी थोड़ी थोड़ी आवाज लगती है इसमें। तो मैंने कहा उस पर मैंने नया नया सेटअप, सॉरी नया नया स्टूडियो में नया नया बनाया था, तो उसकी कंस्ट्रक्शन चली थी, हम घर पे थे, तो आप मेरे घर पे आए थे जी। अच्छा ये बताएं, फेवरेट खाना कौन सा है? फेवरेट खाना दाल चावल। दाल चावल। और फेवरेट एक्टर इन पाकिस्तान, एक्टर और एक्ट्रेसेस? यार इस तरह तो बहुत सारे हैं और बहुत से मेरे दोस्त भी हैं, लेकिन इफ़ आई हैव टू पिन पॉइंट अ फ्यू, तो मेरे ख्याल में फैसल कुरैशी। और मैं प्रोफेशनल लेवल पे, प्रोफेशनल ग्राउंड्स पे एक बात करूं कि फैसल कुरैशी और साजिद हसन साहब, ये दोनों बहुत अच्छे हैं। एक्ट्रेसेस में सबा जो है, सबा हमीद, वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। इसके अलावा बहुत सारे हैं। सभी कौन सी हीरोइन अच्छी लगती है कि यार ये हीरोइन मेरे ड्रामे की हीरोइन हो, लिखते हुए भी और डायरेक्शन देते हुए, कि यार ये होगी तो मेरे स्क्रिप्ट का और मेरी डायरेक्शन का हक अदा कर देगी? वेल हीरोइन तो अब एक्चुअली मैं बड़े अरसे से डायरेक्शन कर नहीं रहा हूँ, मैं आई मोस्टली इनटू राइटिंग बिहाइंड द कैमरा। तो जो पहले एक्ट्रेसेस थी उनके बारे में तो मैं कह सकता हूँ, अब जो नई आई उनमें से तो मैं अक्सर को जानता भी नहीं हूँ ऑनेस्टली, क्योंकि मैं देखता नहीं टीवी, इतना टाइम ही नहीं होता, मैं अपना स्क्रिप्ट ही लिखता रहता हूँ या घूमता फिरता रहता हूँ, जी ना। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके, क्या करना है? फ्यूचर प्लान्स मेरे ये हैं कि बस अच्छा काम, अच्छा फिल्म करनी है, एक तो जो हम सबका एक अच्छा, मैं आपकी बात जमकट लगा के एक बात बताता चलूँ आपको, एक फिल्म की स्टोरी मैंने लिखी हुई है और वो मेरे डायरेक्टर, मैं आपको उनका नाम भी बता दूंगा थोड़ी देर में, हम लोग उसका ज़रा सा उसको पका लें, उसके बाद हमने जो एक नाम सोचा हुआ है जो इस फिल्म को लिखेगा उसका नाम है सैयद नबी। अच्छा जी। हाँ, तो वो फिल्म जरा पक रही है अभी, डायरेक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर की स्टोरी से पहले भी मैं लिख चुका अपने ड्रामे की, एक तो वो ऑनर भी हुआ था एक्सप्रेस टीवी से कोक के नाम से। अच्छा, तो उसके तो हम लोग कुछ पका रहे हैं, बहुत मजे की स्टोरी है, तो उसके लिए मैं आपको इन्वाइट करूंगा, तो वो भी हमने करना है, कुछ मजेदार सी स्टोरी है। पहला पार्ट उसका बड़ा फ्लफी है और दूसरा पार्ट सस्पेंस और थ्रिल है। वही ना, तो वो मैं आपको उसके लिए इन्वाइट करूँ। अच्छा, आप अपनी फिल्म का बता रहे थे मुझे। अच्छा, मैं समझता था कि आप अगर कभी मूवी करेंगे तो म्यूजिकल मूवी होगी वो, क्योंकि आपका काम भारत म्यूजिकल एज फार एज म्यूजिक इज कंसर्न्ड, कि मैं चाहता हूँ, मैं व्यूअर से भी ये बात करूँगा कि हमेशा हमें पाकिस्तान में किस चीज़ की भी हमारी मूवी, किस चीज़ की मूवी, हमें कौन से टॉपिक्स में मूवी बनानी चाहिए। तो मेरे हिसाब से नबील भाई, कमर्शियल मूवीज की हमारे पास कमी है। अब एक व्यूअर 700, 800 या 500 या 400 रुपये का टिकट लेके आएगा तो वो डिप्रेशन का मरीज भी बनना चाहेगा। आपके लिहाज से आप जो फिल्में लिख रहे हैं वो क्या डिप्रेशन का शिकार मूवी है या तो कॉमेडी मूवीज है? क्योंकि कॉमेडी में मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई जॉनरा कामयाब हो सकता है, हम कोई एक्सपेरिमेंटेशन के जद में नहीं आ सकते इस वक्त, और अगर कोई जॉनरा पाकिस्तान में कामयाब हो सकता है तो आई एम श्योर कि वो कॉमेडी ही हो सकता है इस वक्त। अभी हमारी फिल्म इंडस्ट्री, मैं तो इन द मेकिंग भी नहीं कहूँगा, बहुत बहुत हमें मेहनत करनी है, बहुत आगे जाना है। अच्छा मुझे आप ये एक बात बताएं आखिरी के अंदर कि आज मुझे आप गाना कौन सा सुना रहे हैं, व्यूअर्स गाना कौन सा सुना रहे हैं,
आपको अभी रिवील कर रहे हैं और फिर हम सेशन पे ले चलेंगे। क्यों रिवील कर रहे हैं, हम सेशन में जाते हैं डायरेक्ट, एक सरप्राइज है, आप भी सुने और आप कहें अच्छा ये गाना सैयद नबील गा रहे हैं। अच्छा मैं ये बताता चलूं, जो इन्होंने गाना आज हमारे साथ सेशन के अंदर गाना है, इट्स वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग, बहुत डिफिकल्ट सॉन्ग है, लेकिन हमने अभी थोड़ी जैम करी है तो उसके अंदर थोड़ा पकाया है उस गाने को, तो उसमें कुछ गलतियाँ भी हो सकती हैं, कुछ अच्छे पॉइंट भी हो सकते हैं, तो अगर गलतियाँ हो तो उनको जरा सी एज एक्टर समझ के, राइटर डायरेक्टर समझ के उन गलतियों को माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच नबील भाई, आप मेरे शो में आए सेशन इज़ राजेश सईद में, नबील भाई के हवाले से, सैयद नबील के हवाले से। अगर आपके जहन में कोई सवाल है, कोई बात है, कोई चीत है, इनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में कोई बात करना चाहते हैं, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल के ऊपर वाजिद सईद स्टूडियो के ऊपर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, की फॉलोइंग मी ऑन वाजिद सईद स्टूडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज, चलते हैं सेशन की तरफ। आजा दिल की जमीन पे तो चांद रे आजा दिल की जमीन पे तो चाहत है अगर आके मुझसे मिल जा तो या फिर ऐसा कर धरती से मिला दे मुझको तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं जान रे आजा दिल की जमीन पे तो इन सांसों का देखो तुम पागलपन के आए नहीं इन्हें चैन मुझसे ये बोली मैं राहों में तेरे अपने बिछा दूं ये नैन इन ऊंचे पहाड़ों से जा दे दूंगा मैं घर तुम ना आजा दिल की जमीन पे तो जान रे आजा दिल की जमीन पे तू